आपके आए, बीजेपी का आपने प्रचार किया, आपको लाख लाख शुक्रिया दोस्त। समय आने पे मैं भी आपको बताऊंगा कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। और दिल्ली के लिए हम आजकल गलियों में जा रहे हैं तो मेरा पूरा जो भाषण है वो 5 लाइन में जा रहा है। हम चाहते हैं कि एक बार दिल्ली को, खली को हम माइक दे और दोनों हाथ उठा के आप एक बार आशीष सूद के लिए आशीर्वाद देते हुए खली की बातों को थोड़ा सा सुनिए। ग्रेट खली, भाइयों बहनों से और जितने मेरे साथ मंच पे खड़े हैं और मेरे दोस्त बहुत होते, दोस्त बढ़कर मेरे भाई मनोज तिवारी जी, उनके लिए एक बार जोर से तालियां। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी मेरे दोस्त मेरे चाहने वाले, आप मेरी सपोर्ट करते थे जब मैं अंडरटेकर से लड़ता था, तो मैं चाहूंगा कि ऐसी सपोर्ट आपने करनी है इस बार जुम्मे कैंडिडेट आशीष जी है, उनकी सपोर्ट करनी है, बड़े मात्रा से उनको जिताना है। क्योंकि यहां पर जो आया हूं मैं आज, वो मेरे दोस्त मनोज तिवारी जी है। हमारी देखो कहां से कहां, जैसे बोलते ना तो मिलते बहुत है, लेकिन जो अच्छे इंसान होता है ग्रेट खाली उनको एक दिल पे रखता है और उनको याद रखता है। उनमें से है मनीष मनोज तिवारी जी। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी लोग, क्योंकि अब एक दिन गया है कल का बीच में बसों का, आप लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट देने हैं ताकि आशीष जी आपकी जो आवाज विधानसभा से उठा सके। जो प्रॉब्लम आपकी है, घर घर की, हर बंदे की घर की प्रॉब्लम है और घर घर की कहानी है, ताकि आपकी आवाज विधानसभा पे आपकी आवाज उठा सके और आपका जो जो कोई भी मसले है उसका हल निकाल सके। दोस्तों आपने बढ़ चढ़ के, आपने जो बदरूम होते हैं उनको आपने मोटिवेट करना है, उनको बताना है कि दिल्ली में आपके बार बीजेपी सरकार और आपकी बार यार बहुत कॉन्फिडेंस बहुत है। ये मेरे पास दो से नारा लाओ यार, मोदी मोदी मोदी। देखो दोस्तों आप लोगों ने, देखो आप लोग युवा हमारे भारत के, आप लोग युवा है हमारे भारत के, अगर आप लोग कमल को वोट देंगे तो तभी आप भारत को आप बचा सकते हैं।
क्योंकि मेरा कोई ऐसा लेना देना नहीं बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। लेकिन जब भारत की बात आती है तो भारत हमारे लिए पहले हमारे लिए भारत है। और एक ही पार्टी है हमारे हिंदुस्तान में जो जिनका नारा है सबका साथ सबका विकास। अगर भारत को आप स्ट्रॉन्ग और वर्ल्ड पावर सुपर पावर देखना चाहते हैं वर्ल्ड में, तो आप लोगों ने जितना दोस्तों मेहनत करनी है और अपने खंडी जैद को ठिकाना है, जो आपकी जो प्रॉब्लम है, जो आपकी जो दिक्कतें हैं, ताकि जो आपका एक सुनवाई हो सके और आपके जो मसले है उसका हल निकल सके। तो दोस्तों सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर होता मैं लीडर होता तो बहुत लंबे लंबे भाषण देता मैं, लेकिन मैं लीडर नहीं हूँ, मैं एक यारों का यार हूँ। और उनमें से विनोद तिवारी जी और अशी जी और बाकी आप सब लोग, मैं चाहूंगा कि जितने भारी मात्रा बोर्डर से जिताएंगे फिर मैं दोबारा एक बार आपके बीच आऊंगा और आपके लोग आपके बीच सेलिब्रेट करेंगे धूम धड़ाके से। तो दोस्तों मैं वापस माइक देता हूं और मनोज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इन्होंने इनके कारण मैं यहां पर आया हूं और इतनी जनता जो सच्चे दिल से भारतीय जनता पार्टी के जो सपोर्टर है, आप लोगों से मौका मिला तो मैं एक बार बीजेपी पार्टी का, मनोज तिवारी जी का और आशीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद जय भारत। देखो आपने अभी तक कली को थोड़ा सा साथ थोड़ा शांति, दो मिनट बाद फिर बात होगी। आज कली ने जो बातें कही हैं आशीष सूद जी के लिए, जो उन्होंने आशीर्वाद दिया है, आज सच में सिद्ध कर दिया है कली यारों का यार है। और मैं आपसे, मैं केवल पांच छह लाइनों में, जब मैं आजकल दिल्ली की गलियों में जाता हूं तो जानते हैं मुझे क्या महसूस होता है आशीष भाई? मुझे यही महसूस होता है, वो मैं कविता के रूप में आपको बताना चाहता हूं। बताऊं? मैं कविता गा के बताऊं? मेरा दिल इस समय गाना चाहता है। एक बार ताली बजाओ मेरे लिए, तब तो गाऊंगा। मेरी लाइन आपको सच्ची लगेगी आशीष भाई। मंच पे जो लोग हैं प्लीज, मंच पे जो लोग हैं प्लीज, भैया हेलो, भाई साहब प्लीज प्लीज सिट डाउन, भैया नमस्ते, बैठ जा बैठ जा बैठ जाइए। अभी नहीं, अभी बात कली यहाँ बैठो भाई, कम ही है कली को यहाँ बिठा। दिल्ली को किसी की नजर लगी है और मैं समझता हूँ ये सबसे बेस्ट लाइन है कि मेरी दिल्ली को किसकी नजर लग गई है, दिल्ली की हवा क्यों जहर बन गई, यमुना की राहें क्यों सूनी पड़ी है, हमी खुद को यूं क्यों मिटाने तेरी है, ये नजर तो उतारो दिल्ली को मारो, ये
किसकी नजरे लग गई है, दिल्ली को किसकी नजर लग गई है। निर्भया के कातिल क्यों मुस्कुरा रहे हैं, कौन है जो उनको यूं बचा रहे हैं। ये सवाल वो पूछना पड़ेगा। बम लेके हाथों में लोग चल रहे हैं, दोनों हाथों को उठाओ, दोनों हाथों को उठाओ, दोनों हाथों को उठाओ और ईश्वर को मनाओ, आशीष को जिताओ। ये दिल्ली की कैसी नगर बन गई है। दोनों हाथ उठा के बोलिए भारत माता की। कमल का बटन दबाएंगे, आशीष सूद को जिताएंगे और दिल्ली में बीजेपी की सरकार, बीजेपी की सरकार, बीजेपी की सरकार, और जीतने के बाद मनोज तिवारी फिर से आएंगे। अब आप लोग रास्ता बनाएंगे, हम लोग अपनी गाड़ी तक जाएंगे और आशीष भाई आप सबको विदा करने के लिए धन्यवाद सुनाएंगे।